हेलो फ्रेंड्स, एडवांस ऑटो इलेक्ट्रिकल वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों टाइम बताने का, नाम बताने का, एड्रेस बताने का, ये सब मैं समझता हूँ टाइम वेस्ट है। ठीक है, टाइम वेस्ट है, टाइम वेस्ट के सिवा कुछ नहीं है। अभी मैं आज आपको बताऊंगा कम्युनिकेशन कंट्रोलर एरिया नेटवर्क के बारे में, पूरा डिटेल्स आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, हो सकता है थोड़ा लैंग्वेज में ऊपर नीचे हो, मगर समझने वाले थोड़ा समझ जाइए। आज हम क्लास टू के बारे में बात करेंगे, आज हम क्लास टू में बात करेंगे। जो भी भाई क्लास वन नहीं देखे वो स्टार्टिंग से आखिर तक देख लीजिए, जब भी आपको इसके बारे में मालूम पड़ेगा। जो पहला का नहीं देखे उनको कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा। ठीक है, जो कल हमने जो बात किया है डीएलसी, कैन लो कैन हाई में कितना वोल्टेज आएगा, 16 नंबर की पिन पॉजिटिव कितना वोल्टेज आएगा, 4 और 5 में ग्राउंड आएगा तो कैसे आएगा। ठीक है, उसके बारे में कल हमने बात किया है। और इसी वीडियो में एक सवाल भाई का था, एक भाई का अपने सवाल था, उनका सवाल यह था भाई हम 16 नंबर का जो पिन है 12 वोल्ट जो पॉजिटिव है वो कैसे टेस्टिंग करें। ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये मल्टीमीटर है, हर वर्कशॉप में ये वाला मल्टीमीटर रहता है। ठीक है, जो ये देसी मल्टीमीटर है, आपको डिटेल से बताता हूँ। जो आपका मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर ये नहीं है हाफ कंडीशन पे, जिस जगह पे एरो दिखा रहा है ये एरो हाफ पे नहीं ऑफ है, बंद पड़ा है। ठीक है, और लेफ्ट साइड आप घुमाएंगे तो वी ऐसा कुछ आपको सिंबल है। ठीक है, पहले तो 1000 वाट है, दूसरा तो आपको 2000 है, 200 है, और तीसरा तो आपका 20 है। ठीक है, आपको मल्टीमीटर सेट करना है 20 पे। ठीक है, आपको 20 पे सेट करना है। जितना भी आपका 20 वोल्टेज के अंदर रहेगा, 19 वोल्टेज, 20 वोल्टेज, 18, 15, 12, 14, 10, 8, जितना भी रहता है वो 20 के अंदर बताता है। और 24 हो गया आपका, 24 में आपको टेस्टिंग करना है तो आपको ये जो रहता है इसको बढ़ाना रहता है 220 से आपको 200 वोल्ट तक आप इसमें टेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, यानी आपको इसमें मालूम पड़ गया होगा। तो आप 20 पे आप रखेंगे तो अपने को ये मालूम हो गया 20 के अंदर वोल्टेज है अपना। ठीक है, तो आप इसके अंदर एक दो प्रोग है, एक ब्लैक और रेड। जो रेड जो धारी है वो पॉजिटिव माना जाता है, जो ब्लैक जो धारी रहती है उसका सिंबल ऐसा रहता है, ऐसा सिंबल रहता है, ये ब्लैक माना जाता है। ठीक है, ये आपको ब्लैक यानी पॉजिटिव नेगेटिव, आप नेगेटिव चारसी ग्राउंड जो होता है, चारसी ग्राउंड में ये जो पोल रहता है वो आप लगाएंगे। और जो दूसरा पॉइंट रहता है वो पॉइंट आप डीएलसी नंबर 16 पे रखेंगे तो मीटर के अंदर आपको 12 वोल्ट बताएगा। ठीक है, और ऐसा ही आपको 4 और 5 में आपको टेस्टिंग करना है। तो ये जो पोल रहता है, हम 12 वोल्ट पॉजिटिव टेस्टिंग करने के लिए ये हमने नेगेटिव में लगाया है। ठीक है, यही पोल हम पॉजिटिव में लगाएंगे तो मान के चलो 16 नंबर पे पॉजिटिव आ रहा है, हम 16 नंबर की पॉजिटिव में ये वायर लगा दिया हमने। ठीक है, 16 नंबर की पॉजिटिव में ये वायर हमने लगा दिया और 4 नंबर की पिन में हम लगाए तो इधर 12 वोल्ट दिखाएगा। ठीक है, तो उसे हमें मालूम यह हो जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव इससे पता चल जाता है। ठीक है, एक भाई का कमेंट था इसमें हमने टेस्टिंग करें ओल्ड है, इसलिए ये मैं वीडियो बनाया हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ भाई को समझ में आया आ गया होगा। आज हम कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे। जो कम्युनिकेशन जो कैन हाई और कैन लो जो रहता है, एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ। अभी आपकी जो गाड़ी है, ठीक है, सिंपल है, सिर्फ गाड़ी के अंदर ईसीएम लगाए, दूसरा कोई एक्स्ट्रा मॉड्यूल नहीं है, बीसीएम नहीं है, मीटर कम्युनिकेशन वाला नहीं है, सिंपल वाला मीटर है, सिर्फ आपका ईसीएम लगा है कम्युनिकेशन वाला, सिर्फ और सिर्फ ईसीएम, कोई दूसरा कोई मॉड्यूल नहीं है, सिर्फ ईसीएम लगा है, तो ये जो दो वायर हैं वो जाएंगे सीधा ईसीएम के अंदर। ठीक है, ईसीएम, ये दो वायर सीधा जाएंगे ईसीएम पे, ईसीएम को ऑन करने के लिए पॉजिटिव नेगेटिव, डायरेक्ट पॉजिटिव बैटरी से चाबी ऑन करने से पॉजिटिव और एक नेगेटिव की जरूरत रहती है ईसीएम को ऑन करने के लिए। ठीक है, अभी आपका मान के चलो ईसीएम ऑन हो गया, एक 12 वोल्ट
माइनस, और दो आपका 12 वोल्ट प्लस, 12 वोल्ट प्लस, ठीक है। कोई भी आपको मॉड्यूल को ऑन करने के लिए ये तीन चीज की जरूरत रहती है, एक नेगेटिव कंपलसरी चाहिए, एक डायरेक्ट पॉजिटिव कंपलसरी चाहिए, जैसे आप चाबी ऑन करेंगे उस टाइम पे पॉजिटिव कंपलसरी चाहिए ही चाहिए, ठीक है, तभी जाके आपका ईसीएम ऑन होता है। ईसीएम आपका ऑन हो गया और जितने भी इधर सेंसर्स हैं, सेंसर्स को आपका आउटपुट निकल गया ईसीएम के थ्रू, ठीक है। अभी हो सकता है आपका एक्सीलेटर पेडल हो सकता है आपका वीएसएस सेंसर हो सकता है दूसरे कोई भी सेंसर हो, तब आपका पॉजिटिव नेगेटिव आएगा तभी जाके आपका सेंसर एक्टिवेट होगा, ईसीएम एक्टिवेट होगा, ठीक है। ये हो गया। अभी आप मान के चलो आपकी गाड़ी में सिर्फ और सिर्फ ईसीएम लगा है, तो डायरेक्ट आपका कहीं पे ना तो इसका फ्यूज आएगा, ठीक है, ना तो इसका कैन है, कैन लगा कोई फ्यूज नहीं का, डायरेक्ट आपका जाएगा ईसीएम पे, ठीक है, दूसरा कोई मॉड्यूल नहीं है। तो अभी मान के चलो कोई गाड़ियों में, बहुत सारे गाड़ियों के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल है, ठीक है, बहुत सारे मॉड्यूल है, ये अपना हो गया ईसीएम, ईसीएम, ठीक है, ये हो गया आपका एबीएस, एबीएस, ठीक है, ये होगा आपका बीसीएम, बीसीएम, ठीक है। और एक कोई मॉड्यूल ले लेता हूं, मीटर, ठीक है, मीटर, मान के चलो चार मॉड्यूल दूसरी गाड़ी में, ये सब कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है, ठीक है। तब इसमें क्या कंडीशन रहेगा देखो, ये आपका कैन हाई इसके अंदर चला गया, और आपका ये वाला जो है कैन हाई इसके अंदर चला गया, कैन लो इसके अंदर चला गया, और आपका कैन हाई इसके अंदर चला गया, कैन लो इसके अंदर चला गया, और कैन हाई इसके अंदर चला गया, कैन लो इसके अंदर चला गया, ठीक है। ठीक है, दो अभी ये कैन है कैन लो ऐसा चला गया, ठीक है, ईसीएम के अंदर भी जा रहा है, बीसीएम के अंदर भी जा रहा है, एबीएस के अंदर भी जा रहा है, बीसीएम के अंदर भी जा रहा है, मीटर के अंदर भी जा रहा है, ठीक है। जब आप स्कैनर लगाएंगे तो उसके अंदर फंक्शन अलग अलग है, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, एबीएस, बीसीएम और मीटर, ठीक है। अभी मान के चलो आपका बीसीएम स्कैन नहीं हो रहा है, ठीक है, अभी एबीएस की मान मान लो अभी आपका एबीएस स्कैन नहीं हो रहा है, हो सकता है आपका कहीं से वायर कटा हो, ठीक है, हो सकता है आपका कहीं से वायर कटा हो, या हो सकता है इसमें पॉजिटिव नहीं आ रहा हो या नेगेटिव नहीं आ रहा हो। हर मॉड्यूल को ऑन करने के लिए पॉजिटिव नेगेटिव चाहिए ही चाहिए, ठीक है। हर मॉड्यूल को ऑन करने के लिए पॉजिटिव नेगेटिव चाहिए ही चाहिए, ठीक है। देखो क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं स्कैन मॉड्यूल नहीं होने के, हो सकता है आपका ये जो कम्युनिकेशन की जो वायर है वो कहीं से कटी हो, ठीक है, एक सेकेंड के लिए मान लीजिए कहीं से वायर कटी हो, तब भी आपका कम्युनिकेशन एरर आएगा, ठीक है। अभी मैं सीधा कर देता हूँ, ये वायर सही है, हो सकता है आपका फ्यूज उड़ा हो, आपका मॉड्यूल ऑन ही नहीं हो रहा है तब भी आपका मॉड्यूल स्कैन नहीं होगा, हो सकता है आपका ग्राउंड यानी अर्थिंग वायर कहीं से कटी हो तब भी आपका मॉड्यूल कम्युनिकेशन नहीं होगा, हो सकता है ये भी आपका पॉजिटिव सही आ रहा है, नेगेटिव भी सही आ रहा है, कैन लो भी सही आ रहा है, कैन हाई भी सही आ रहा है, आपका इंटरनली मॉड्यूल शॉर्ट है तब भी आपका कम्युनिकेशन नहीं होगा, ठीक है। कोई भी आपको दिक्कत आ रही है, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो आपको सबसे पहले कैन लो वायर कैन हाई वायर आपको ट्रेस करना रहता है, और दूसरा आपको पॉजिटिव नेगेटिव प्रॉपर आ रहा है क्या,
वो आपको टेस्टिंग करना रहता है। और उसके बाद फिर भी आपका पॉजिटिव भी आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है आपका, और कैन लो भी प्रॉपर आ रहा है, कैन हाई भी प्रॉपर आ रहा है, तो आपका हो सकता है आपका मॉड्यूल इंटरनली शॉर्ट है, ठीक है। उस टाइम पे आप इसको निकाल के टेस्टिंग कर सकते हैं। ये हो गया, ठीक है, ये आपका कम्युनिकेशन के रिलेटेड हो गया। और अभी कुछ गाड़ियों में गेटवे, अभी कुछ गाड़ियों में गेटवे भी रहता है, इंटरफेस एरिया, इंटरफेस मॉड्यूल बोल के भी बोलते हैं, इंटरफेस मॉड्यूल भी बोलते हैं। मुझे का इंग्लिश लिखने का मेरे को आता नहीं है, ठीक है। मान लो एक गेटवे है, ठीक है, अभी ये मान लीजिए गेटवे, यानी सब सबका बाप। जब तक ये गेटवे मॉड्यूल, एक मॉड्यूल समझ लो, ठीक है, गेटवे मॉड्यूल, ये मॉड्यूल आपका देखो, बीसीएम, एबीएस, एबीएस क्लस्टर यानी मीटर, ईसीएम, अभी देखो सब में कैन है, कैन लो, एल एच, एल एच, एल एच, ठीक है। अभी मिसाल के तौर पे अभी ये गेटवे मॉड्यूल है, ठीक है, गेटवे मॉड्यूल के थ्रू बहुत सारे मॉड्यूल को पावर सप्लाई, हर गेटवे के मॉड्यूल के थ्रू दूसरे मॉड्यूल ऑपरेट हो रहे, तब क्या होगा, जो आपका मॉड्यूल को ऑन करने के लिए 12 वोल्ट चाहिए, 12 प्लस 12 माइनस, ठीक है, गेटवे मॉड्यूल को ऑन करने के लिए पॉजिटिव नेगेटिव चाहिए, ठीक है। अभी एग्जांपल के तौर पे जो आपका डीएलसी से जो कैन लो कैन ही जो आ रहा है, मॉड्यूल से इधर से कहीं से कट हो गया, ठीक है, आपस में शॉर्ट हो गया, आपस में शॉर्ट हो गया, या तो यहीं से कहीं से कट हो गया, तो जितने मॉड्यूल है गाड़ी के अंदर, जितने भी मॉड्यूल है कोई भी स्कैन नहीं होएंगे, ठीक है, जितने मॉड्यूल है कोई भी मॉड्यूल स्कैन नहीं होएगा, ठीक है। उस टाइम पे आपको मालूम हो जाना चाहिए अपना जो मॉड्यूल गाड़ी के अंदर लगा है वो क्वालिटी है, या उसका फ्यूज उड़ा है, या वो ऑन नहीं हो रहा है, उसको पावर सप्लाई नहीं मिल रही है, उसके थ्रू आप पहचान सकते हैं, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं अपने गाड़ी के अंदर मॉड्यूल लगा है। कुछ गाड़ियों में मीटर के अंदर मॉड्यूल लगा है, ठीक है, कुछ गाड़ियों में मीटर के अंदर मॉड्यूल लगा है, और कुछ गाड़ियों में अलग से मॉड्यूल लगा है, जैसे कि वीडब्ल्यू के अंदर अलग से मॉड्यूल लगा है, ठीक है। ऐसा यानी मॉड्यूल का जो गेटवे का जो काम रहता है, एक जगह से नेटवर्क लेना, एक जगह से कम्युनिकेशन की वायर लेना, हर अलग अलग मॉड्यूल को डिवाइड करना, ठीक है, हर अलग अलग मॉड्यूल को डिवाइड करना, उसका काम है गेटवे मॉड्यूल। क्योंकि ये काम तो ईसीएम भी कर सकता था ना, ये जो काम है ये ईसीएम भी कर सकता था, मॉड्यूल लगाने की जरूरत क्या है, ये डायरेक्ट ईसीएम भी काम कर सकता था। तो एक ईसीएम के अंदर एक लिमिट रहती है, उसकी एक मेमोरी रहती है। मान के चलो अभी एग्जांपल के तौर पर मैं बात को बता रहा हूँ, 4 GB का मेरा फोन है, 4 GB का मेरा फोन है, ठीक है, जो मेरा फोन 4 GB का है, तो मुझे उसके अंदर डेटा इतना डालना है, इतना डालना है 8 GB का, 8 GB का, तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेमोरी उसकी अंदर है 4 GB की। अभी मुझे उसके अंदर डेटा डालना है 8 GB का, तो मैं क्या करूंगा, फोन के अंदर एक एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड लगाऊंगा, ठीक है, तब जाके मेरा 4 प्लस 16 12 GB हो जाएगा। तो इसकी वजह से कंपनी ने क्या किया, अलग से गेटवे मॉड्यूल लगाया है, तो ये 8 GB मान के चलो, ये 4 GB मान के चलो, ये डायरेक्ट देंगे तो 4 GB हो गया, ये 8 GB प्लस 4 GB 12 GB,
12 GB, ठीक है, ये मेरा बताने का समझाने का तरीका था। उम्मीद करता हूँ आपको कम्युनिकेशन नेटवर्क के बारे में समझ आई होगी, और कुछ डाउट है तो कमेंट्स करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो मेरा क्लास 3 रहता है, क्लास 3 में सेंसर्स के बारे में बात करूंगा, कौन सा सेंसर क्या काम करता है, कैसे काम करता है, सेंसर का क्या काम है, क्या वर्किंग है, और अपना जितने भी सेंसर है जितना मुझे इल्म है उसके बारे में मैं आपको पूरा समझाऊंगा। उम्मीद करता हूँ कम्युनिकेशन नेटवर्क कंट्रोलर एरिया के बारे में आपको समझ आई होगी। फिर भी कोई आपका डाउट है या कमेंट्स है तो कमेंट्स करें, कोशिश करेंगे उसको समझाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।